गाइस फाइनली अपने हाथ में आ चुकी है अपनी बाइक। गाइस अगेन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा कि अपनी बाइक जो है टोटली डैमेज हो चुकी थी और अपन गए थे शोरूम उसको देखने की कहां तक जो है उसमें वर्क कंप्लीट हुआ है, उसका जो भी पार्ट्स डैमेज हुए थे वो। भाई सूरज कितना जोर से आ रहा है। ओके सो लास्ट वाले व्लॉग में अपन ने जो है गए थे, बाकी उसका काम प्रॉपर नहीं हुआ था। तो अभी जो है मैंने कॉल करके पूछा था, 15 से 18-20 दिन हो गए आज, तो मैंने कॉल वगैरह करके पूछा था कि यार हुई कि नहीं हुई, तो उन्होंने बोला था बोले हो गई है। कल भी पूछा परसों भी, 3 दिन से मैं इसीलिए इंतजार कर रहा हूँ कि क्या हुआ। ठीक है सो अभी जो है मेरे साथ जा रहे हैं ये लोग। ओके सो अभी जो है हम लॉर्ड स्प्लेंडर से जा रहे हैं। पहली बात तो ये, तो बिल का क्या हुआ था ना कि बाइक तो उन्होंने दूसरे दिन ही कंप्लीट कर दी थी, बाकी जो है बिल पास नहीं हो रहा था। तो आज भी उन्होंने बोला बोले कि मैंने बात करता हूँ, मैंने बिल तो दे दिया था और पता नहीं क्या क्या नाटक चल रहे हैं। तो यार बाइक तो उन्हें वो बोल रहे बोले कि ले जाओ, अब भी अगर आपको बाइक चाहिए तो ले जाओ, बाकी उसमें पेमेंट थोड़ा ज़्यादा आपको जो है जमा करना पड़ेगा। तो उसी वजह से अपन जो है वो बात करेंगे और बाइक जो है आज लेके आ ही जाएंगे अगर होगा तो। और एक्स्ट्रा पेमेंट देने का है तो वो आपको पता है कि शोरूम वालों के पास अगर एक्स्ट्रा पेमेंट जमा कर दो तो रिटर्न लेना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। सो गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ब्लॉग्स वगैरह देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, इंटरेस्टिंग से ब्लॉग लाता रहता हूँ इसके साथ। ओके सो क्यूट सी है ना। सो गाइस अभी जो है अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई अभी जो है चल रहे हैं अपन, काफ़ी टाइम हो गया है अपनी बाइक को जो है अपन जो है लेके नहीं आए, तो चलते हैं और लेकर आते हैं। बाकी आगे के ब्लॉग जो है बनाना कंटिन्यू करते हैं, बहुत टाइम से जो है अपन रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं। और पीछे वाली गाड़ियों को इग्नोर मारो, बाकी बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग्स का जो मस्त सा व्यू आ रहा है यार। मैंने जो है अभी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा ली, बाकी अभी देखो ये देखो अब सही आ रहा ना। ओके चलो यार जल्दी चलते हैं अभी। ठीक है अभी तो अपन जो है लॉर्ड स्प्लेंडर के साथ जाने वाले हैं। उस दिन अपने साथ थी एक्टिवा, उस पर अपन ने ब्लॉक कर लिया था, बाकी अभी जो है इस पर नहीं हो पाएगा। तो अपन जो है डायरेक्ट चलते हैं, सिनेमेटिक चेक करो। ओके गाइस तो आ गए फाइनली अपन जो है बहुत सारे सिनेमेटिक रिकॉर्ड करने के बाद अपन आ गए। और वो देखो वहाँ पर रेड कलर की खड़ी है, लेकिन अपने को जाना है पीछे की तरफ क्योंकि अपनी गाड़ी खड़ी हुई है पीछे की साइड, तो हर बार की तरह यहाँ पर। और ये देखो गाइस यहाँ पर शूज जो है मेरा गंदा कर दिया इसने, तो अभी चल के बात करते हैं। गाइस फाइनली अपन आ चुके हैं यामा के शोरूम पे और यहाँ पर देखो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और गाइस देखो यहाँ पर ना इसकी गाड़ी का ना प्लग टूट गया था, तो अभी जो है इसने जो है सही कर ली है, प्लग सही कर दिया है। और अभी जो है अंदर जाकर चेक करते हैं कि क्या सीन है। वैसे तुम्हारा भाई यार लग तो रहा है ना कि हीरो है, इस बात पे एक लाइक तो बनता है यार। देखो कुछ जा रहा है, कुछ जा रहा है, जा रहा है गाइस, जा रहा है कुछ जा रहा है। चलो गाइस चेक करते हैं अभी क्या होता है और बात करते हैं अंदर चलकर। ओके गाइस तो चेकआउट मारो, हियर इज अपनी जेरी। और लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि कैसी कंडीशन में थी। और अभी यहाँ पर नाम देख सकते हो, अपनी बाइक का नाम ये रहा। और आप लोगों को जिस लोगों को नहीं पता था कि ये अपनी बाइक है, सो ये लास्ट टाइम मैंने नाम बता दिया था। और अभी जो है चेकआउट करो, पूरी कंप्लीट हो चुकी है बाहर से। और अभी जो है बिल वगैरह लेते हैं इसकी, जो है अगर ड्यू लेटर मिलता है तो वो करके, और अपन जो है इसको बाहर ले जाकर और यहाँ पर कुछ शांत माहौल में बताता हूँ कि क्या क्या जो है इसका चेंज हुआ है। इंडिकेटर जो है फाइनली मैंने ऑर्डर कर दिया है, सो इंस्टाग्राम पर मैंने स्टोरी वगैरह डाली थी, इसका जो है बहुत सारी चीज़ें मैं मंगवा रहा हूँ। ओके सो वो ऑनलाइन आ रही है, तो उसमें 1-2 दिन का टाइम लग रहा है, सो वो आ जाएगी। जैसे आज गाड़ी मिल जाती है तो वैसे अपन जो है इसको इसमें इंस्टॉल करवा लेंगे। और क्या क्या चेंज हुआ है यहाँ पर आगे की चीज़ें जो है अभी देख लेते हैं। और वहाँ की जो ड्यू लेटर मिलेगा, बिल मिलेगा, उसमें जो है पूरी मेंशन रहेगी कि क्या क्या जो है इसमें चेंज करा हुआ है। ओके सो यहाँ पर जो है चेचिस में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो नहीं सही हुई है, रिपेयर हुआ हुआ है या नहीं हुआ है वो अपन जो है अभी चलकर ऊपर बात कर लेंगे क्या होता है। ऊपर जो है परमिशन नहीं है, इसलिए मैं जो है नीचे बाइक देखने आया, तो आप लोगों को जो है दिखा दिया कि अपनी जो है बाइक अलग ही खड़ी हुई है, ये देखो सबके अलग में। ठीक है सो ये, और वहाँ पर एक रेड और R1 जो है दिक्कत में है, खड़ी हुई है मतलब ऐसा। सो अभी जो है ऊपर चलते हैं, आप लोगों को बता दिया। और फाइनली अभी जो है इसमें क्या क्या काम हुआ है वो ऊपर चलकर मैं आप जो लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर से जो है इसको छुड़वाते हैं सबसे पहले तो। ओके तो गाइस तो अभी जो है ये आपको बिल की फोटो जो है मैंने यहाँ साइड में लगा दी है, वो आप चेक कर लेना कि इसमें जो है अमाउंट, टोटल अमाउंट आया 4,088 रुपये आया है, जहाँ कि हमको बोला गया था कि यार 12-15 हज़ार के समथिंग आएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज, मतलब ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करी है, तीन चीज़ें करी हैं। ठीक है यहाँ पर ये चेक मार सकते हो, देखना मैं आपको बताता हूँ। ओके सो आप ये चीज़ें देख लेना और कितने कितने के, जहाँ की जितने की चीज़ें नहीं थी उससे ज़्यादा तो इनने लेबर चार्ज लगा दिया भाई, भयंकर 1,000, 2,000, 1,500, 1,500, 1,300, 1,300 रुपये लगा दिए। 2,300 रुपये सिर्फ लेबर का बना है और 1,700 रुपये
पार्ट्स का बना हुआ है, आप खुद चेक कर सकते हो यहाँ पर देखना। तो यहाँ पर ये टोटल जो है यहाँ पर लेबर चार्ज है ये देखो, ठीक है, और ये जो स्पेयर जो पार्ट्स है वो ये उनका चार्ज है। तो भाई जितने के तो पार्ट्स नहीं, उससे ज़्यादा तो उन्होंने लगवाई के ले लिए, मतलब समझ रहे हो। तो अब बीमा कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या ही रिटर्न देगी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तो अभी इन लोगों ने जो है 2000 रुपये जमा करवाए मेरे से, क्योंकि अभी जो है क्लेम जो अमाउंट है कि कंपनी ने कितना बिल पास कराया, इन लोगों ने ये बिल दे दिया था उनको। सो अब कंपनी वालों को इनने आधी पूरी चीज़ दी, तो ये वो लोग अभी जो है वो क्लियर नहीं कराए, तो इनने बोला बोले 2000 रुपये आप जमा कर जाओ, तो हमने 2000 रुपये जमा करके और बाकी का अमाउंट रिफंड हो जाएगा उन्होंने बोल दिया है। तो अभी जो है कब अमाउंट रिटर्न होगा वो आई डोंट नो, अभी एक आध दिन आना पड़ेगा आप लोगों को, मैं वो भी बता दूंगा। तो ये चीज़ें मैंने जो आपको क्लियर कर दी कि इतना अमाउंट जो है मेरे को लगा, ठीक है। सो टोटल अमाउंट यहाँ पर चेक कर सकते हो कि 4088 रुपये 88 रुपये जो है टोटल बिल बना था, तो उसमें से 2000 रुपये मेरे से जमा करा ले। तो मतलब क्या हुआ, मैं ऐसे बाहर से करवा लेता ना 15-16 दिन का वेट क्या मतलब का करके, समझ रहे हो। सो बे मतलब का वेट करा और 2000 अलग जमा करा लिए, और कंपनी का इंश्योरेंस देख सकते हो मेरे से, यहाँ पे कंपनी का इंश्योरेंस है। ओके सो ये कुछ चीज़ें थी, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जितने का बिल बना उससे 50% इन लोगों ने मेरे से जमा करा लिया। अमाउंट जब भी रिटर्न होगा मैं आपको बता दूंगा, और क्या क्या चीज़ें हुई वो भी आप लोग जो है देख लिए। गाइस फाइनली अपने हाथ में आ चुकी है अपनी बाइक, इसको वॉश करा नहीं करा जैसा बराबर करा इन लोगों ने, क्योंकि इस पे भाई शैम्पू तक नहीं मारा। तो आप गंदगी चेक कर सकते हो इसके टायर्स में और यहाँ पर देखो। तो कोई नहीं यार, अभी जो है छोड़ो, ठीक है, कोई बात नहीं, उनने तो उनकी तरफ से दे दी जैसी थी। सो ये चीज़ जो है मैंने चेंज करने का बोला था, बट ये चीज़ जो है यहाँ पर स्क्रैच थे तो उस वजह से उन लोगों ने चेंज नहीं करा। बाकी तीन चीज़ें क्या क्या चेंज करी हैं गाइस मैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट ये मास्क चेंज करा है, ठीक है। सो इसको जो है अपन हटा देते हैं इसको, तो ओ माय गॉड, वाओ भाई क्या ब्यूटीफुल है, आय हाय, इसी चीज़ में तो मज़ा है भाई ये निकालने में। ओके सो ये ब्यूटीफुल सी चीज़ अब देखो यहाँ फ्रंट से, सो ये चेंज करा है। सेकेंड आपका जो करा है वो ये चीज़ करा है, क्योंकि आपको बताया था मैंने ये यहाँ से टूट गया था, सो ये चेंज करा है। देन थर्ड करा है ये वाला लीवर, ये करा या ये वाला, ओके सो ये वाला करा है, ये वाला यहाँ का, ये भी ऐसा मुड़ गया था। सो ये तीन चीज़ करी है, और मैंने बोला था कि यार ये वाला भी जो है यहाँ से डैमेज हो गया था, तो इस पर स्क्रू लगा दी उन लोगों ने। आपको मैंने बताया जैसा कि अभी उसमें बिल में कि 3 स्क्रू के उनने 30 रुपये ले लिए, ठीक है। सो गाइज ये 3 चीज़ें करी है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं करा है, धोकर भी नहीं दी प्रॉपर उसके, इसी सिर्फ 3 चीज़ों के उनने 4088 रुपये ले लिए। सो ये थी, और उसके अलावा कुछ भी नहीं करा है। ओके सो बाकी के अभी इसको वॉश वगैरह करवाएंगे, और भाई ब्यूटी चेक करो अपनी भाई, इतने से काम में इन लोगों ने 20 दिन लगा दिए। कोई नहीं गाइस, अभी जो है ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे अपन रिटर्न से। ओके सो फोन वगैरह भी अपडेट कर लिया, अभी क्वालिटी वगैरह चेक कर सकते हो आप। सो चलो यार गाइस, यही कुछ था, और बाकी का अभी जो है अपना अमाउंट रिटर्न जो भी आता है अगर होता है तो मैं आपको अगले ब्लॉग में बता दूंगा। सो जब तक के लिए भाई चेकआउट करो, और ब्लॉग एंड करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पर, और होप आप जो है हम इसको केयरफुली चलाएं, क्योंकि वैसे तो केयरफुली है, लास्ट टाइम अपनी गलती नहीं थी फिर भी। ओके सो यहाँ पर अभी एक चीज़ और प्रॉब्लम में है, वो ये यहाँ पर देखो ये डैमेज है। सो इसको अपन जो है इसमें फेविकिक कर लेंगे, ये यहाँ से एलंकी से खोल के घर पे कर लूँगा ये तो मैं। ओके सो यार चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और आपको ये कुछ जो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपको पता है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले एंजॉय द वीडियो, टेक केयर, पीस आउट।